बंदर की कहानी। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था, उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता, लोग उस पर पैसे फेंकते, जिसे बंदर इकट्ठा कर अपने मालिक को दे आता। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहाँ पिंजरे में एक और बंदर को देखा। लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल, बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा, पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है, बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ ही दिनों में बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी, अपनी आज़ादी वापस चाहता था। फिर वह चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंचा। उसे मालूम हो गया, रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उसे भी कठिन होता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब स्थिति में होते हैं, वह स्थिति उतनी अच्छी नहीं लगती, जबकि दूसरों का जीवन और अधिक अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता है। सभी लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां झेलते रहते हैं, इसलिए हमें दूसरों के देखने के बजाय अपने सुख में संतोष करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।